ओम शांति। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लाफ्टर डे। पहला रविवार मे महीने का पूरे विश्व में वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि लाफ्टर या जोर से हंसना, इसके साथ स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारी खुशी या हंसना कम हो गया है। मुंबई से इसका कैंपेन का शुरुआत हुआ था। एक पार्क में 5 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज ये 72 कंट्रीज से ज़्यादा देशों में ये मनाया जाता है। इस दिन पर विशेष करके लोग पार्क में इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिलकर जोर जोर से हंसते हैं। जब हम जोर से हंसते हैं तो हमारे शरीर को व्यायाम मिलता है एक प्रकार का। स्पेशली इसको कहा गया बेली लाफ्टर, माना पेट की गहराई से हंसना। जब हम 15-20 मिनट तक इस तरह से हंसते हैं तो बहुत सारी निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से बाहर फेंकी जाती है। हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल रिलीज होते हैं जो पेन किलर है, तो जो भी दर्द है वो निकल जाता है। और लंग्स को बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिलता है, तो ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा होता है। हालांकि हमको इस तरह से आर्टिफिशियल रूप से हंसना नहीं चाहिए, जितनी हमारी खुशी नेचुरल रहे उतना अच्छा है। लेकिन आजकल लोग बहुत सीरियस होते जा रहे, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसे कहते हैं कि इफ़ यू कैन फेक इट यू कैन मेक इट। माना अगर आप नकली भी हंस रहे हैं तो भी आपके शरीर को फायदा होता है, क्योंकि शरीर को पता नहीं चलता है ओरिजिनल और नकली क्या है। अगर आप जोर जोर से हंसते हैं तो बिना वजह के हंसना बहुत मुश्किल होता है। तो अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज इसमें बताए जाते हैं जिसके वजह से आप बेली से हंस सकते हैं। और हंसना एक प्रकार का कंटेजियस है, माना एक हंसते हुए व्यक्ति को देखकर दूसरे भी हंसने लगते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसे लगता है इसको लाफ्टर योगा कहते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है अगर हम नेचुरली खुश रहे तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। पर अगर आप हंस सकते हो तो नथिंग लाइक इट। अगर आप ग्रुप में हंसते हैं तो हंसना बहुत इजी होता है। अलग अलग प्रकार के हाथ के इशारे, चेहरे का पोस्चर्स, जो भी आप दिखा के हंस सकते हो, तो कोई ना कोई बहाना निकाल कर हमको हंसना चाहिए। जितना हम हंसते हैं उतना हमारी बॉडी ठीक होती है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। मुझे एक विशेष बात याद आ रही है, डॉक्टर नॉर्मन कजिन्स, डॉक्टर ही उनको कहेंगे, हालांकि वो जर्नलिस्ट थे, लेकिन उनको एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और केवल हंस के उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक किया। वो अंतिम स्टेज के बीमारी पर थे, लेकिन उन्होंने चार्ली चैपली और लॉरल हार्डी के कॉमेडी सीरियल देख के जोर जोर से हंसना चालू किया, और उनका जो इफेक्ट था उसके वजह से उनको पेन किलर की ज़रूरत कम पड़ती थी, और इस बीमारी से ठीक होने वाले वो एकमेव व्यक्ति है, क्योंकि ये बीमारी इनक्योरेबल है। और फिर उन्होंने किताब लिखी जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। तो जितना आप खुश रहेंगे उतना आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेंगे। और आज जब हमारे सामने डिप्रेशन का थ्रेट है, हमको बताया गया है कि 2020 में हमको बताया गया कि आने वाले शताब्दी में और आने वाले कुछ सालों में डिप्रेशन नंबर 1 रहने वाला है, तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हंसिए और हंसाइए। वर्ल्ड लाफ्टर डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।